मैं यहाँ पर उपस्थित उन सभी ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूँ जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण और बिजली के समुचित उपयोग में महत्वपूर्ण प्रयास किए। एनर्जी कंजर्वेशन इन बिल्डिंग्स के लिए आज एक वेब पोर्टल भी प्रारंभ किया गया। इसकी उपयोगिता को हम सब लोग समझते हैं और मैं इस प्रयास के लिए सरकार की प्रशंसा करता हूँ। युवा मस्तिष्क की क्षमताओं और परिवारों में छोटे बच्चों की प्रतिभा को समझते हुए विद्युत मंत्रालय स्कूल के बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित करता आ रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह एक सराहनीय प्रयास है और मैं पुरस्कार विजेता बच्चों को बधाई देता हूँ। और मैं आप सब लोगों से, मुझे तो देखने का अवसर मिला इन बच्चों द्वारा जो एक प्रदर्शनी पीछे लगाई गई है, मैं आप सब से भी अनुरोध करूँगा कि वो भी इसी कार्यक्रम का हिस्सा है। आप यदि उसको देखेंगे, मुझे लगता है कि बिना देखे हुए आपका यहाँ आने की जो सार्थकता है वो पूरी नहीं होगी, इसलिए आप ज़रूर देखें उसे। भारत की आर्थिक प्रगति और विकास में ऊर्जा की उपलब्धता और उसके सक्षम उपयोग का विशेष महत्व है। इसमें ऊर्जा को सुलभ बनाना, ऊर्जा की निरंतर उपलब्धता और ऊर्जा का दक्षता से प्रयोग किए जाने जैसी अनेक चुनौतियां शामिल हैं। यह सब इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सरकार सभी को 24 घंटे बिजली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार नियत अवधि में इस लक्ष्य को प्राप्त करने और अंतिम बिंदु तक कनेक्टिविटी पहुंचाने तथा सौभाग्य योजना के अंतर्गत सभी आवासियों को बिजली प्रदान करने की दिशा में भी कार्यरत है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने देश के उन सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का भी वचन दिया है जहां स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद भी बिजली अभी तक नहीं पहुंची है। 15 अगस्त 2015 को जो जानकारी हम सबको मिली है उसके अनुसार 18,452 गाँव की पहचान की गई थी। केंद्र सरकार ने यह निश्चय किया है कि 1,000 दिनों के भीतर इन सभी गाँवों में बिजली उपलब्ध हो जाएगी। आज लगभग 3,000 गाँवों में ही बिजली पहुंचाना बाकी रह गया है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। मुझे सरकार का यह प्रयास बहुत अधिक महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि यह प्रयास उस गरीब किसान, मजदूर, आदिवासी या अन्य किसी वंचित की अंधेरी झोपड़ी में उजाला फैलाने का प्रयास है जो आज तक इस मूलभूत सुविधा से वंचित रहे हैं। बिजली के बिना आज के जीवन के किसी भी पक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। बिजली ना होने से सिंचाई ठीक से नहीं हो पाती, कल कारखाने नहीं लग सकते, अस्पतालों में इलाज नहीं हो सकता, कोल्ड स्टोरेज नहीं चल सकते। सचमुच में विकास के लिए भरोसेमंद बिजली का मिलना एक बुनियादी शर्त है। बिजली की पर्याप्त उपलब्धता के बगैर सामाजिक कल्याण, स्वरोजगार और शिक्षा आदि अनेक क्षेत्रों से जुड़ी हमारी योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो सकती। पिछले 3 वर्षों में हम एक पावर सरप्लस राष्ट्र बन गए हैं, परंतु हम इतने में ही संतोष नहीं कर सकते। हमारी आवश्यकताएं निश्चित रूप से दिनों दिन बढ़ रही हैं। औद्योगिक युग के लिए बिजली उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कृषि के लिए जल, और इस संबंध में हम कोई समझौता नहीं कर सकते। ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता हमारे प्रयासों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके द्वारा हमारी जीडीपी की इमिशन इंटेंसिटी कम होगी,
उपभोक्ताओं तक ऊर्जा की पहुंच बढ़ेगी और ऊर्जा की लागत भी कम होगी। इससे उन गरीब परिवारों और लघु तथा मध्यम उद्योगों को लाभ मिलेगा जिनकी ऊर्जा संबंधी लागत बहुत अधिक आती है। मुझे बताया गया है कि सरकार के द्वारा किए गए उच्च स्तरीय ऊर्जा दक्षता संबंधी हस्तक्षेप से इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के बिजली की खपत में पर्याप्त बचत हुई है। इन हस्तक्षेप कार्यक्रमों में एलईडी बल्ब, बेहतर कृषि पंप, सीलिंग फैन और एयर कंडीशनर जैसे ऊर्जा दक्षता उपकरणों की पहुंच में सुधार लाते हुए उपभोक्ता मांग को अनुकूल बनाना शामिल है। सरकार द्वारा किफ़ायती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने से इसके उपयोग में बहुत अधिक इजाफा हुआ है, जिससे पूरे देश में बिजली की काफ़ी बचत हुई है। स्टार लेबलिंग के प्रसार में आने के बाद से अब प्रायः सभी उपभोक्ता भारी मात्रा में बिजली खपाने वाले एयर कंडीशनर जैसे उपकरणों को खरीदते समय कम ऊर्जा पर चलने वाले उपकरण ही खरीदते हैं। इस प्रकार ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग स्कीम अपने उद्देश्य में सफल हो रही है। मुझे बताया गया है कि इस स्कीम में 21 प्रमुख उपकरणों के लिए स्टार लेबलिंग प्रोग्राम शामिल है, जिससे उपकरणों के बाजार में बदलाव आया है। देवियों और सज्जनों, मेक इन इंडिया से लेकर स्मार्ट सिटीज बनाने तक ऊर्जा दक्षता हमारे अनेक प्रमुख कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। भारत में बिजली का एक तिहाई हिस्सा वाणिज्यिक और आवासीय भवनों में उपयोग किया जाता है। आगामी वर्षों में जैसे जैसे हमारी आर्थिक प्रगति होगी और हमारे शहरों का विस्तार होगा, उसी के अनुसार हमें और भी अधिक भवन निर्मित करने होंगे। इसलिए भवन निर्माण क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता का होना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में मुझे खुशी है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग्स कोड 2017 जारी किया है और यह कोड एनर्जी इफ़िशियंट कमर्शियल बिल्डिंग्स के निर्माण से जुड़े ब्यौरेवार मानदंड और समाधान प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त डिज़ाइन गाइडलाइंस फॉर एनर्जी इफ़िशियंट मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी बनाई गई हैं। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, यह एक बहुत सरल लेकिन सारगर्भित वाक्य है। सक्षम और किफ़ायती इस्तेमाल से जो बिजली हम बचाएंगे, वह किसी किसान के काम आ सकती है। वह किसान जाड़े पाले की रात में जागकर सिंचाई करने के बजाय दिन में ही खेती के काम निपटा सकता है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में बचाई हुई बिजली कोल्ड स्टोरेज चलाने के काम आ सकती है। कोल्ड स्टोरेज के चलने से किसान की फल और सब्जियां खराब नहीं होंगी, उसका दूध अधिक समय तक इस्तेमाल लायक रह सकता है। बिजली का होना कमज़ोर तबके के लिए एक आर्थिक सुरक्षा कवच का काम करता है। सुदूर गांव में कोई मजदूर अपना मोबाइल चार्ज करके दुनिया से जुड़ सकता है, अपना काम खोज सकता है। इस तरह ऊर्जा संरक्षण गरीबों के जीवन में बदलाव का माध्यम भी बन सकता है। मित्रों, ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता अर्थात एनर्जी इफिशेंसी उपकरणों के उपयोग से बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। हमारे कृषि प्रधान देश में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मैं किसान भाइयों से भी अपील करता हूँ कि जब वो खेतों में सिंचाई के लिए मोटर पंप या अन्य उपकरण खरीदें, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस उपकरण की ऊर्जा दक्षता अच्छी हो। इसी तरह हम अपने दैनिक उपयोग में आने वाले उपकरणों जैसे गीजर, वॉशिंग मशीन, ओवन, इंडक्शन स्टोव, फ्रिज और एसी जैसे सामान को खरीदते समय भी उसके ऊर्जा दक्षता का भी विशेष ध्यान रखें। इन सामानों पर कुछ कंपनियों द्वारा स्टार चिन्ह द्वारा ऊर्जा दक्षता की जानकारी दी जाती है।
इस पहल से हमारी बहनें ऊर्जा संरक्षण के एक बड़े लक्ष्य को आसान बना सकती हैं। इसी तरह हमारे घर, ऑफिस, दुकान और कारखानों में उपयोग हो रहे ट्यूबलाइट, बल्ब, पंखे, एसी इत्यादि में भी बिजली की खपत के प्रति जागरूक बनना होगा। ऊर्जा की बचत करना एक ऐसा पूर्ण कार्य है जिससे न केवल हमारा व्यक्तिगत पैसों की बचत होती है बल्कि इस बचत से पर्यावरण का संरक्षण भी होता है, जिससे समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण होता है। मित्रों, अपने भारत में एक प्राचीन एक अवधारणा थी, कंसेप्ट था बचत की, बचत धन की बचत। और मुझे लगता है कि वो धन की बचत के कारण ही उस प्राचीन समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज वो समय फिर आ गया है, पैसे की बचत कम लेकिन ऊर्जा की बचत अधिक। और इस दृष्टि से मैं मानता हूँ कि इस कार्य में हमारी जो महिलाएं, हमारी बहनें और बच्चों की बहुत एक जो सेविंग, उनकी जो एनर्जी होती है, यदि आप घरों में देखेंगे हर घर में कहीं न कहीं है, और बच्चे सेविंग की दृष्टि से बहुत ही वो अपना जो पॉकेट मनी होता है उसको सेव करते हैं। और ये कंसेप्ट यदि उनमें आज से डेवलप कर दिया जाएगा, मुझे लगता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो शायद वो आगे चल करके उनकी एक हैबिट में ये शामिल हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि जब धन की बचत होती थी, वो चाहे गांव हो, एक छोटा कस्बा हो, बड़ा शहर हो, वो हमारा एक मापदंड हुआ करता था हमारे स्टेटस का, हमारे विकास का। जिसके पास अधिक धन बचा हुआ है, जो अधिक खर्च करता है वो अधिक धनवान नहीं माना जाता था। माना ये जाता था जो ज़्यादा बचत है और जिसके पास ज़्यादा पैसा जमा है उसको ज़्यादा धनवान माना जाता था। आज मैं चाहूँगा, हमारे बीच में बहुत सारे उद्योगपति भी हैं, पुरस्कृत हुए हैं, मैं उनसे भी एक अपील करना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, लेकिन इस दिशा में आपको यहीं पर संतुष्टि हासिल करके यहीं तक छोड़ नहीं देना है। आप बढ़ सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वो जो प्राचीन समय में जो धन अर्जित करते थे, उन्होंने, हम सब लोग जानते हैं इकॉनमी, अपने इंडियन इकॉनमी का जो हिस्ट्री है उसमें सब जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने जो बैंक्स स्थापित किए थे, एक कुछ बैंक्स को छोड़ दीजिए, सरकारी बैंक्स, अदरवाइज जो अभी तो सभी नेशनलाइज्ड बैंक्स हो गए हैं, साउथ के जितने भी बैंक्स थे, दे वेर इस्टेब्लिश्ड बाय अवर ओन पीपल, बाय अवर इंडियंस हु हैव लॉट ऑफ मनी। और मुझे लगता है कि आज आपसे जो आप उद्योगपति हैं और भी हैं, लेकिन साधन संपन्न भी हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वो उन बैंक्स पर ध्यान मत दीजिए। आप एक कंसेप्ट डेवलप कर दीजिए कि हमें ये जो एनर्जी बैंक है, वो तो मॉनेटरी बैंक हुआ करता था, आज जो एनर्जी बैंक की है, वो देश में एनर्जी बैंक की स्थापना में हम आगे बढ़ेंगे, और वो काम मैं आपके लिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। मैं सरकार के ऊर्जा संरक्षण से जुड़े उन सभी प्रयासों की प्रशंसा करता हूँ जो एक ऐसे भविष्य की दिशा में ले जाते हैं जहाँ मानवीय आवश्यकताओं और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहेगा। ऊर्जा संरक्षण और दक्षता का यह अभियान भारत की प्राचीन परंपराओं में निहित किफ़ायत, सरलता और प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदारी से उपयोग करने के मूल्यों के अनुरूप है। हमें इस दर्शन को सदैव जीवंत बनाए रखना है। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आज के पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबकी सफलता की कामना करता हूं। कुछ विजेता जब पुरस्कार लेने आए, उन्होंने कहा ये मेरे लिए दूसरा पुरस्कार है, तो मैंने उसी समय कहा आप इसको दूसरा मत समझिए, इसको आप
इस क्रम को दूसरा समझिए, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है, इस प्रकार के आप काम करते रहिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।